to protest against the reprehensible and dastardly terrorist attack of killing 7 Amarnath Yatris, a complete bandh is being observed across the Jammu. All business and educational institutions are closed and public transport is off the roads. The call for bandh has been given by many political parties and is being supported by the traders and the Chamber Federation. Bar Association Jammu has also suspended the work. Mobile internet services have been suspended and security heightened in the Jammu. मिलिटेंट्स ने जो इतना बड़ा मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा घृणीय अपराध किया है उसके लिए यहाँ तक पाकिस्तान और मिलिटेंट जो है जुम्मेवार हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की रियासत और हिंदुस्तान सरकार की रियासत की भी जुम्मेवारी बनती है कि वो यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के लोगों की जानो माल की हिफाजत करें, और जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं एक आस्था लेके आते हैं, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा हो, बुढ़ा अमरनाथ की जी की हो, या माता वैष्णो देवी की हो, या दूसरे तीर्थ स्थल हो, खीर भवानी हो, तो मुझे लगता है कि ये जो कह रहे थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मैं आज बोलूंगा ज्यादा कुछ नहीं, मुझे लगता है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्यूर है। ये कायरनापुर हमला जो किया गया है, पैंथर्स पार्टी जहाँ उसको कंडेम करती है, वहीं आज जम्मू बंद की कॉल देके हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के नागरिक, यहाँ के श्रद्धालु जो है वो असुरक्षित है, और यहाँ की सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में। जो बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार यहाँ बनी हुई है, वो सिर्फ सत्ता की खातिर और लोगों को जो है, जो यहाँ का सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको एड्रेस करने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। 21,000 सिक्योरिटी पर्सनल ये कहा जा रहा था कि बाहर से मंगवाए गए हैं, और फुल प्रूफ सिक्योरिटी का वादा इस सरकार ने किया था, लेकिन जिस तरीके से निर्ममता से, बर्बरता से श्रद्धालुओं की हत्या हुई है, उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज हमने जम्मू में बंद की कॉल दी हुई है, मुकम्मल बंद यहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है। जम्मू इज द बेस कैंप ऑफ द अमरनाथ यात्रा वेयर लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स कम फॉर द रजिस्ट्रेशन। The anger against the killing has spilled over the streets, with protesters burning the effigies of Pakistan, blaming it for the attack. They also blame both central and state government for not taking adequate security measures, though there has not been any untoward incident reported. किसी भी सभ्य समाज में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, आतंकवाद और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी है, और आतंकवाद के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके तहत कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर के रिवायती भाईचारे को और भारत को ठेस पहुंचाना चाहती हैं। हम सबको मिल के एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलकर इसे जड़ से उखाड़ के फेंकना है, और इस लड़ाई में हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं, और इस लड़ाई को जीत के ही दम लेंगे। भोले बाबा के भक्त, ये उन पे बात नहीं है, ये पूरे हमारे पूरे हिंदुस्तानियों पे बात है, क्योंकि हम बात करते हैं हिंदुस्तान में हर एक धर्म का इंसान रहता है, यहाँ पे हर एक धर्म का इंसान रहता है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर ये डिसरिस्पेक्ट क्यों है बताओ मुझे? जब भी उनकी, जब और किसी धर्म की कोई यात्रा निकलती है, जब उनका कोई ऐसा त्यौहार होता है, क्या हम लोग उनमें बिघन डालते हैं? बताओ ना, जब हम लोग उनमें बिघन डालते हैं, पर वो लोग क्यों करते हैं ऐसा? मैं अपनी केंद्र सरकार को ये बोलना चाहता हूँ, 2008 में जैसी स्थिति बनी थी, अगर आप लोगों ने इस पर जल्दी कुछ ना कुछ नहीं किया, कड़ी सिक्योरिटी नहीं किया, अगर अभी कोई ऐसा हुआ तो 2008 का सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। इस पूरी जो हमला, उसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, और सरकार से ये मांग करते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे कड़ी सुरक्षा दी जाए, और आंधा ऐसी हरकत हुई तो पूरे जम्मू कश्मीर का युवा मिलकर इसका विरोध करेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। मैं उन लोगों से भी आह्वान करता हूँ, जो लोग सत्ता में है या सत्ता में नहीं है, जो घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, मेरी उन लोगों से भी, राजनीतिक लोगों से अपील है कि इस मसले में राजनीति ना करें। जो बोले का मसला है, इसमें हम किसी तरीके की राजनीति नहीं सहेंगे। Indian Army! Jindabad!
नहीं है, ये हमारे लोगों के हमने अपने हाथ बांध कर रखे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम अतिथि देवो अतिथि आओ हो, हम अतिथि का अवभगत करना जानते हैं, परंतु हमारे निहत्थे लोगों के साथ ये कार्यक्रम होगा तो याद रखें ये लोग आने बुरा हाल करेंगे। अगर हमने अपने हाथ खोल दिए तो इनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये भारत हमारा है, कश्मीर हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर इनके दिमाग में ये कहीं फतूर है, इसको निकालकर भारत फेंक दें। हम जानते हैं कि हमारे भोले शंकर वहाँ पर विराजित हैं, और हम भोले शंकर की यात्रा के लिए जो लोग देश प्रदेश से विभिन्न प्रदेशों से जो लोग आए हैं, वह लोग अपनी अपनी अपने मन को अपने देश की अपने परिवार की शांति के लिए वो आए थे। ये जो अमरनाथ यात्री है इसके ऊपर हमला हो सकता है, फिर ये कहते हैं हमने 40,000 की फौज लगाई है, सुरक्षा जो कर्मी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमला होता है, तो ये बड़े शर्म की बात है। अब वक्त आ चुका है, केंद्र सरकार को हम कहना चाहते हैं कुर्सी का लोभ छोड़ के यहाँ जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲਾ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲਾ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲਾ, ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਸਾਰੇ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਾ ਜਗ ਜਗ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? आतंकवादियों जिन्होंने कल 8:20 पर हमारे अमरनाथ पवित्र अमरनाथ यात्रा के यात्रियों पर गोलियां बरसाई आतंकवादियों ने, और हमारे 7 लोग उसमें अमर हुए, 20 लोग वहां पर शहीद हुए। बहुत ही दुख की बात है हमारी राज्य सरकार के लिए भी, हमारी केंद्र सरकार के लिए भी। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज ने केवल एक चीज़ इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांगी थी कि हमारी यात्रा को पूर्ण रूप से यहाँ पर सुरक्षा दी जाए। उस यात्रा को पूर्ण सुरक्षा ना मिलने के कारण आज उस यात्रा की बस पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई।